नमस्कार। देशभर की धार्मिक खबरों के इस स्पेशल बुलेटिन श्रद्धा अपडेट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मौलिका शर्मा। आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। सावन के महीने में मिलेगी भक्तों को सौगात। चांदनी चौक के गौरीशंकर मंदिर में कर सकेंगे महादेव के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मिले उपहारों के लिए म्यूजियम की मांग तेज। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का शेड्यूल जल्द किया जाएगा तैयार। महोत्सव के कार्यों को लेकर गठित की गई टीमें। वृंदावन पहुंचे क्रिकेटर रिंकू सिंह और ध्रुव जुरेल। बांके बिहारी के दर्शन करके की पूजा अर्चना। सावन में सोमवार के दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा मान्य। प्रशासन ने बनाया मजबूत प्लान। नितिन गडकरी ने तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मेला प्राधिकरण महाकुंभ 2025 के बीच महाकुंभ की तैयारियों को लेकर बैठक। अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली के चांदनी चौक का गौरीशंकर मंदिर राजधानी के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराने की तैयारियां की जा रही हैं। ये कदम उन श्रद्धालुओं के लिए खास तौर पर फायदेमंद होगा जो ज्योतिर्लिंगों के मूल स्थान पर जाकर भी ठीक से दर्शन नहीं कर पाते हैं। डोंगरे जी महाराज से उन्होंने कथा में कहा था कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंग जगह जगह बने हुए हैं और आपके मंदिर में बहुत भीड़ होती है, सारे श्रद्धालु भक्त आते हैं। वो स्वयं आए थे, उन्होंने पूजा करी, कथा रही, जब तक वो दर्शन करते रहे, रोज आते थे। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ बनाओ कि 12 ज्योतिर्लिंग एक स्थान पर हर एक बंदा दर्शन कर सके। तो उनका ही आदेश था, उनका ही आशीर्वाद था। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की रिप्लिका को राजस्थान से लाया गया है। मंदिर के तहखाने में इनको स्थापित किया जाएगा। चारों तरफ ये सारा मकराने का वहीं से आया हुआ है। एक एक पत्थर को तराशा गया है अपने आने वाले भक्तों के लिए एक बहुत सुंदर स्वरूप मिले और उनको यहाँ का आशीर्वाद मिले, वैसा ही वातावरण मिले, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक अभिषेक समारोह के बाद श्रद्धालु 28 जुलाई को 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक ही मंदिर में कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान मिले उपहारों के एग्जीबिशन के बारे में विचार कर रहा है। बताया जा रहा है कि कई उपहार काफी विशाल हैं। ट्रस्ट ने उन्हें फिलहाल रामसेवकपुरम में रखा है। बहुत से लोगों ने विशाल विशाल सामानों को बनवा के भेजा है, तो उसको सुरक्षित रखा गया है। तो ये जो ऐसी चीज़ें हैं जिनका कहीं उपयोग नहीं है, ये सिर्फ प्रदर्शित हो सकती हैं देखने के लिए, तो उसको वहाँ पर सुरक्षित रखने की व्यवस्था बनाई गई जिससे सुरक्षित रहें और लोग देखें कि देखिए इतना बड़ा ताला है, इतना बड़ा गदा है, इतना बड़ा धनुष है। कुछ लोगों ने ट्रस्ट से म्यूजियम बनाने का निवेदन किया है जिसकी मदद से यहाँ सारे उपहार रखे जा सकते हैं जिन्हें देखने में श्रद्धालुओं को आसानी होगी। जो उपहार बड़े बड़े प्राप्त हुए हैं इनको अभी यहाँ पर रखा गया है। ये रामसेवकपुरम है, कारसेवकपुरम है, इन दोनों स्थानों पर रखा गया है अस्थायी तौर पर। लेकिन जब भगवान श्री रामलला की भव्य मंदिर बन जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद ट्रस्ट के जो हमारे पदाधिकारीगण हैं यानी ट्रस्टीगण, वो निर्णय लेंगे कि इनको कहाँ पर स्थापित किया जाए। लेकिन हम लोगों को जहाँ तक मालूम है कि भक्त की भावनाओं का ध्यान रखना है, भक्त के भावनाओं का सम्मान करना है। इतनी दूर दूर से लोगों ने स्वप्रेरणा से जो है इसको भेजा है, तो इसको राम जन्मभूमि परिसर के अंदर भी रखा जा सकता है, लेकिन अभी निर्णय लेने का काम जो है ट्रस्ट का है। मंदिर का बचा खुचा काम 2024 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद इन उपहारों के एग्जीबिशन के बारे में अंतिम फैसला किया जाएगा। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन नवंबर-दिसंबर 2024 में किया जाएगा। इस महोत्सव का शेड्यूल मुख्यमंत्री से अनुमति लेने के उपरांत तैयार किया जाएगा। फिलहाल महोत्सव के प्रबंधों को लेकर कमेटियों का गठन कर दिया गया है। इन कमेटियों के चेयरमैन को स्कोप ऑफ वर्क तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
इतना ही नहीं, इन कमेटियों को 31 अगस्त तक टेंडर प्रक्रिया पूरी करने का समय दिया गया है। केबीडी के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में 11 दिसंबर को गीता जयंती का दिन होगा और बाकी शेड्यूल प्रदेश सरकार से विचार विमर्श करने के उपरांत तैयार किया जाएगा। ये महोत्सव 18 दिन का होगा और महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 8 दिन के होंगे। जिम्बाब्वे दौरे से लौटने के बाद क्रिकेटर रिंकू सिंह और ध्रुव जुरेल बांके बिहारी के दर्शन को पहुंचे। दोनों खिलाड़ी गुरुवार की सुबह मथुरा के वृंदावन पहुंचे। यहां उन्होंने श्री बांके बिहारी की पूजा आराधना कर आशीर्वाद की कामना की। मंदिर में सेवायतों ने क्रिकेटरों को विधि विधान से पूजा अर्चना कराई। इसके बाद प्रसाद स्वरूप बांसुरी भेंट की। इस दौरान भाजपा नेता योगेश द्विवेदी के पुत्र अंश द्विवेदी भी साथ में मौजूद रहे। बताते चलें कि भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे में 5 मैचों की T20 सीरीज खेली और इसमें 4-1 से जीत हासिल करी। हाथरस की घटना के बाद से भीड़ वाले कार्यक्रम को लेकर काशी पुलिस प्रशासन किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहता है। ऐसे में सावन के मौके पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ने वाली लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को मैनेज करने के लिए पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया है। हालांकि ये काम अधिकारियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इसी के चलते वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने स्पर्श दर्शन और VIP दर्शन के बारे में बताया है कि सावन के सोमवार के दिन किसी भी तरह का प्रोटोकॉल मान्य नहीं होगा। 22 जुलाई से शुरू होने वाले सावन माह को देखते हुए वाराणसी पुलिस प्रशासन ने अभी से कमर कस ली है। इसी के मद्देनजर सभी विभागों की एक हाई लेवल बैठक काशी विश्वनाथ धाम में हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। काशीवासियों के लिए अलग से 2 प्रवेश द्वार भी प्रस्तावित कर लिए गए हैं, जिसमें से एक सावन शुरू होने के पहले फाइनल भी हो जाएगा। हाथरस की घटना जितनी परेशान करने वाली है, उतनी ही सचेत करने वाली भी है। ऐसे में सावन माह के मद्देनजर काशी विश्वनाथ धाम में होने वाली भारी भीड़ की समुचित व्यवस्था, दर्शनार्थियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर सभी विभागों की एक बैठक विश्वनाथ धाम में संपन्न हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसके बारे में जानकारी देते हुए वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने बताया कि सावन के मद्देनजर इस बैठक में पुलिस, PAC, CRPF, मेडिकल, PWD और बिजली विभाग की संयुक्त बैठक हुई और लिए गए निर्णय 10 दिन में लागू कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पिछली बार सावन को लेकर लिए गए निर्णय रिवाइज तो हुए ही हैं, साथ ही पूरे प्रदेश के लिए क्राउड मैनेजमेंट महत्वपूर्ण हो गया है, जो बारिश के मौसम में और भी अहम हो जाता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को तड़के करीब 4 बजे यहां श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर गडकरी ने कहा, आज तिरुपति के तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी मंदिर के दर्शन कर धन्य हो गया। उनके यहां पहुंचने पर मंदिर के अधिकारियों ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री का भव्य स्वागत किया। इसके बाद पुजारी उन्हें गर्भगृह में ले गए। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने एक विज्ञप्ति में कहा कि दर्शन के बाद रंग नायुकला मंडपम में पंडितों ने गडकरी को वेदासिर वचनम दिया। बाद में संयुक्त कार्यकारी अधिकारी ने गणमान्य हस्ती को तीर्थ प्रसादम दिया तथा श्री वरूप की एक तस्वीर भी भेंट की। TTD मंदिर का आधिकारिक संरक्षक है। प्रयागराज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आज महाकुंभ 2025 की तैयारियों के लिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मेला प्राधिकरण की बैठक हुई। इस बैठक में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी और महामंत्री हरिगिरी मौजूद थे। साथ ही सभी 13 अखाड़ों के अध्यक्ष और सचिव भी बैठक में शामिल रहे। बैठक में महाकुंभ को लेकर अखाड़ों के संतों की राय ली गई। दरअसल अखाड़ा परिषद पिछले कुछ समय से 2 धड़ों में बट गई थी। अब अखाड़ा परिषद महाकुंभ से पहले फिर से एकजुट हो गई है। साथ ही तीनों अन्य अखाड़ों का महाकुंभ से पहले अखाड़ा परिषद में विलय हो गया है। ये निर्मोही अन्य अखाड़ा
दिगंबर अनि अखाड़ा और निर्वाणी अनि अखाड़े हैं, जिनका अखाड़ा परिषद में विलय हुआ है। इसके पहले तीनों अनि अखाड़ों ने अखाड़ा परिषद से दूरी बना ली थी, लेकिन अब महाकुंभ से पहले एक बार फिर से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एक साथ आ गए हैं। इस बैठक में मेला प्राधिकरण साधु संतों को मिलने वाली सुविधाओं और सहूलियतों को लेकर चर्चा की। साथ ही अखाड़ा परिषद के सदस्य फर्जी संतों को महाकुंभ में शिविर ना देने की भी बात मेला प्राधिकरण के अधिकारियों के सामने रखी। मंडलायुक्त कार्यालय के गांधीनगर सभागार में हुई इस बैठक में देश भर के सभी अखाड़ों से आए पदाधिकारियों ने भाग लिया। तो ये थी आज की खास खबरें। देश विदेश से जुड़ी धार्मिक जानकारियों के लिए देखते रहिए श्रद्धा अपडेट्स। तब तक के लिए नमस्कार।